ये घटना जो हुई है, ये जो पूर्व में जो है रंजीश के चलते ये नमाज पढ़ के निकल रहा था 8:30 बजे लगभग होगा, लगभग करीब उसी बीच में जो है इसको घात लगा करके जो पूर्व जितने भी जो आरोपी थे लगे हुए थे और इसके साथ में जो है जानलेवा हमला करके जान मारने की नीयत से इसको सर पर जो है वार किया। किनको चोट लगी है? ये हसन इमाम, इनका नाम है, पिता जैनुल अंसारी, ये उपरीत के रहने वाले हैं और काफ़ी जख्मी हैं जो कि ये बहुत सी हालत में। हाँ, रंजीश वो पहले इनके पूरे फैमिली को घर में हेल करके और सभी को महिला से लेकर बच्चे तक जानलेवा हमला करके इन लोग को फैमिली को मारपीट किया था। पुलिस क्या कर रही है? उस समय पुलिस सारी को जो है कार्रवाई करके जेल भेजी है, उसमें हाई कोर्ट लोग से कुछ के बेल हुआ, कुछ के डिस्ट्रिक्ट जज से बेल हुआ था, उसी में सब जमानत पर छूट के आए हैं और जो है केस उन लोग को अभी न्यायालय में चल रहा है। उसी का रंजीश में इन लोग दबाव बना रहे थे कि जो ये केस कंप्रोमाइज कर लो, उसी में जो है मारपीट किया है, फिर जानलेवा हमला करके, क्योंकि यही कमाने वाला आदमी है, इसको हटा देंगे तो मामला सुलझ जाएगा।